हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छे वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और आप इसके बारे में पूरी जानकारी अगर ले लेते हैं तो शायद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि आज मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊँगा कि इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। पूरी आसानी से आपको सारी चीज़ इसमें बताऊँगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको देते हैं पूरी जानकारी। फ्रेंड, सबसे पहले जान लीजिए हमारे इसमें चार बल्ब लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और दो फैन लगे हुए हैं। हमारे पास स्विच लगी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक दो रेगुलेटर लगा हुआ है। ये इंडिकेटर है, ये फ्यूज है और ये सॉकेट है। तो हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए मैं पहले फेस का कनेक्शन कर लेता हूँ। फेस का कनेक्शन फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको इस सॉकेट को ऐसे एक साथ लूप कर लेना है। जैसे हमारे यहाँ इंडिकेटर पड़ रहा है तो यहाँ से इसको लूप करके वापस यहाँ लाना है और यहाँ से उठा के वापस यहाँ लाना है। ये सारी यहाँ तक कितना कंप्लीट हो गया। मान लीजिए हमारा यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है, तो हमें पहले सबसे पहले अगर फेस लाना है तो हमें सबसे पहले फ्यूज में लाना होगा क्योंकि हमारा फ्यूज है। तो हमें यहाँ से ऐसे लाना है और लाने के बाद हमको सीधे फ्यूज में लगा देना है और यही लाइन हमारा फ्यूज वाला जो यहाँ से आ रहा है यही ले जाके हमको यहाँ पे इंडिकेटर में लगा देना है। तो आप इतना समझ गए होंगे। और हमें मान लीजिए इस सॉकेट का कनेक्शन करना है तो सॉकेट का कनेक्शन यहाँ से हम जो लाइट वाला है इस पॉइंट को उठाएंगे और ले जाके यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारा सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब ये हमारा न्यूट्रल अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ फेस ला रहा हूँ मैं। फेस का हमें क्या करना है, चलिए न्यूट्रल का ये बल्ब वाला न्यूट्रल कर लेता हूँ पहले। मान लीजिए इसमें ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा लाइट है, लाइट न्यूट्रल, लाइट न्यूट्रल, लाइट न्यूट्रल। तो हमें सबसे पहले इस न्यूट्रल को यहाँ से, मतलब ये हमारा पोल आ गया तो हमारा पोल वाला जो कनेक्शन है ये हमें लाके यहाँ पे न्यूट्रल में लगा देना है। अब अगर आप चाहें तो न्यूट्रल यहाँ से उठाइए और यहाँ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी इंडिकेटर में आ रहा है और वो भी इंडिकेटर मतलब वहाँ जा रहा है। अब हमें यहीं से न्यूट्रल जो है यहाँ जोड़ देना है, यहाँ से उठा के इस न्यूट्रल में डाल देना है और यहाँ उठा के यहाँ डाल देना है। जैसे मान लीजिए फैन में दो पॉइंट है, ठीक, एक फेस और एक न्यूट्रल, क्योंकि बिना फेस और न्यूट्रल का तो दोनों चलने वाला नहीं है। तो हम यहीं से उठा के फेस को यहाँ लगा देंगे, ओ सॉरी न्यूट्रल को, और वही न्यूट्रल हमको यहाँ पे दे देना है। अब ये हमारा न्यूट्रल हो गया, हमारे इंडिकेटर में न्यूट्रल आना बाकी है, ओ सॉरी इसमें सॉकेट में। अब हमें यहाँ से न्यूट्रल ऐसे ले जाएंगे और ले जाने के बाद इसको हम ऐसे यहाँ सॉकेट में न्यूट्रल दे देंगे। अब ये हमारा सॉकेट भी चालू हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें फेस को स्विच से, जैसे मान लीजिए इस बल्ब को हमको इस स्विच से चलाना है तो हमने तो न्यूट्रल पूरा दे दिया यहाँ से यहाँ तक। अब हमें फेस जो है यहाँ से लाना है और इसको लाके यहाँ पे लगा देना है। उसी प्रकार दूसरी बल्ब का भी लाके यहाँ लगा देना है, इस बल्ब का लाके हमको यहाँ लगा देना है और इस बल्ब का लाके हमको यहाँ लगा देना है। न्यूट्रल मैंने यहाँ से दे दिया और फिर तो हमारा यहाँ तक फ्रेंड्स ये हमारी बल्ब का पूरा कंप्लीट हो गया है।
इससे सॉकेट चलेगा, इससे ये बल्ब चलेगा, इससे ये बल्ब चलेगा, और इस स्विच से ये बल्ब चलेगा, इस स्विच से ये बल्ब चलेगा। अभी हमारे पास बचा हुआ है फैन रेगुलेटर का, तो हमें फैन रेगुलेटर का मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इधर से यहाँ पे आ गया, इधर यहाँ पे आ गया, तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट को लाके हमें यहाँ पे मिला देना है और इस पॉइंट को लाके हमें इस स्विच में मिला देना है। हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, इस फैन का जो वायर है इस वायर को लाके हमको मिलाना है। रेगुलेटर में दो वायर निकले होते हैं, वायर में एक वायर जो है स्विच में जाता है और एक वायर फैन के उसमें चला जाता है, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल यहाँ से आ गया। अभी जो फेस वाला वायर होता है रेगुलेटर में, उसी प्रकार हमें इस वायर को यहाँ से उठाइए और यहाँ लाके इसके इस रेगुलेटर में मिला दीजिए। अब हमारा इस स्विच से ये फैन रेगुलेटर चलेगा और फैन रेगुलेटर से हमारा ये फैन चलेगा, इससे ये हमारा चलेगा, इससे हमारा फैन चलेगा। तो अभी आप, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हमारा पोल है, मान लीजिए हमारा पोल है, जो खंभा होता है हमारा ये खंभा है। अब यहाँ से एक न्यूट्रल आ गया और यहाँ से एक फेस, ये हमारा दोनों न्यूट्रल और फेस पोल से यहाँ पे आ रहा है। अभी ये हमारा फेस जो है हमारा यहाँ आ गया, न्यूट्रल यहाँ से जाके यहाँ आ गया। तो इस न्यूट्रल को अभी ये सॉकेट, वो सॉरी इंडिकेटर भी आपका चलेगा और आपका सारा कनेक्शन भी हो गया। अब स्विच सॉकेट में जहाँ पे यन लिखा हो, आप लोग इतना ध्यान दीजिए, जहाँ पे यन लिखा होता है वहीं पे हमें न्यूट्रल का वायर डालना होता है, अदरवाइज न्यूट्रल का वायर वहाँ पे नहीं जाएगा जहाँ पे यल लिखा होगा, क्योंकि अगर यल की जगह न्यूट्रल डालोगे चलेगा लेकिन आपको बाद में डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए सारी चीज़ें आप जहाँ पे है आप पूरी तरह, फ्रेंड जो फेस वाला वायर है जो हमारा ये सॉकेट यहाँ पे मिला हुआ है, इस सॉकेट में हमें कनेक्शन देना है, तो हमें कनेक्शन, जैसे ये पॉइंट है तो अभी ये पॉइंट पूरा खाली है, यहाँ से कहीं हमारा जॉइंट नहीं है, तो हम इस सॉकेट में चाहे आप यहाँ से पॉइंट उठाइए और चाहे आप यहीं से पॉइंट उठा के ऐसे ला के और यहाँ ला के यहाँ पर मिला दीजिए, चाहे आप यहाँ दे दीजिए कहीं भी किसी भी स्विच में दे दीजिए, और चाहे आप यहीं से ला के यहाँ मिला दीजिए, आप यहाँ से भी ला सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से उठाइए और यहाँ ला के मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहे फ्यूज के इस साइड से मत उठाइएगा, क्योंकि अगर फ्यूज़ के इस साइड से उठाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इस फ्यूज़ का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, तो हमेशा फ्यूज़ के हमारे नीचे वाले पॉइंट में उठाना है और ला के हमें सॉकेट स्विच के इस पॉइंट में दे देना है, जो कि हमारा फेस आ रहा है, ये हमारा फेस आ रहा है, तो हमारा फेस यहाँ से ला के हमको यहाँ पर दे देना है बस। तो से वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो को पूरी तरह से देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और पूरी तरह से आपको समझ में हर चीज़ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कोई भी अगर दिक्कत आती है आपको, कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे आपको उसको बताने की, आपको अच्छे से अच्छे तरीके में आपको जानकारी देंगे कि हाँ आपको कैसे इसका कनेक्शन करना है। तो चाहे कोई भी बोर्ड हो आप हमें बता सकते हैं, हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट में भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइक करना मत भूलिए, ये हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों से होती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।